दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंगल फेस एसी सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है जो कि इस प्रकार से है। अ करेंट 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ अ चोकिंग कॉइल व्हेन सप्लाइड एट 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस 125 volt and across the coil 200 volt. Calculate first impedance, reactance and resistance of the coil. Second, the power absorbed by the coil and third, the total power. ड्रॉ फेजर डायग्राम। हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस और चोकिंग कॉइल या चोक कॉइल दिया है जो कि आपस में कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में, और इनसे कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और इस पूरे सर्किट पर कितना वोल्टेज लगाया गया है 250 वोल्ट और जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया है 125 वोल्ट और चोक कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया गया है 200 वोल्ट। तो इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करके हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा पहले पॉइंट पे इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के वैल्यू को चोक कॉइल के लिए, सेकेंड पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉइल और थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा टोटल पावर के वैल्यू को। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे साथ ही साथ फेजर डायग्राम को भी ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को किससे शो किया है इस सर्किट डायग्राम पे स्मॉल आर से, और चोक कॉइल के रेजिस्टेंस को शो किया है कैपिटल आर से, और चोक कॉइल के इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो किया है हम लोगों ने एक्सएल से। तो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले इस सर्किट के लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस क्वांटिटी को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इस सर्किट डायग्राम के लिए रेफरेंस क्वांटिटी ले पाएंगे इस 5 एम्पियर के करंट को, क्योंकि यह जो 5 एम्पियर का करंट है वह नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर और चोक कॉइल से सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इस 5 एम्पियर के करंट को हॉरिजेंटल एक्सिस पर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट ओ से लेकर ए तक सबसे पहले 5 एम्पियर के करंट को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट से फेजर डायग्राम को स्टार्ट किया उस पॉइंट को लेंगे O, और इस पॉइंट को लिखेंगे A, और इस पर हम लोग शो करेंगे 5 एम्पियर के करंट को। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है 125 वोल्ट उसको फेजर डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज दोनों क्या होता है सेम फेज में, जिस कारण से हम लोग 125 वोल्ट को इस 5 एम्पियर के फेज में ही ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक, यहाँ पर हम लोग पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम लोगों ने सेम फेज पर ड्रॉ किया और हम लोग इस पर लिख लेंगे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के वोल्टेज के यूनिट को। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पे चोक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है 200 वोल्ट उसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सर्किट क्या हो, प्योर इंडक्टिव हो, तो उसके वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करके ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इस चोक कॉइल पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का क्या है? कॉम्बिनेशन है, जिस कारण से हम लोग इस चोक कॉइल के वोल्टेज 200 वोल्ट को 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पर इस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चोक कॉइल के वोल्टेज 200 वोल्ट को पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पे ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी और हम लोग यहाँ पर वोल्टेज लिखेंगे चोक कॉइल के, जो कि कितना है? 200 वोल्ट। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पे इस अप्लाइड वोल्टेज 250 वोल्ट को ड्रॉ करेंगे। तो यह जो अप्लाइड वोल्टेज 250 वोल्ट है, जो कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 125 वोल्ट और चोक कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट का सम है, तो उसके लिए हम लोगों को इस फेजर डायग्राम पे पॉइंट ओ से पॉइंट सी को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 125 वोल्ट को लिया है और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक हम लोगों ने चोक कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट को लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस फेजर डायग्राम पे पॉइंट ओ से पॉइंट सी को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे और इस पर हम लोग लिखेंगे अप्लाइड वोल्टेज के वैल्यू को, जो कि कितना है? 250 वोल्ट। और यहाँ पर हम लोग एंगल एज्यूम कर लेंगे फाई। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पे कॉइल के रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप और कॉइल के इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि कॉइल के रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप VR लेंगे और कॉइल के इंडक्टिव रिएक्टेंस के ड्रॉप को VL एज्यूम करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होते हैं? सेम फेस में, जिस कारण से हम लोगों को इस पॉइंट बी से इस सेम फेस पर हम लोगों को कॉइल के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR को पॉइंट D तक हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉइल के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के वैल्यू को ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ तक? पॉइंट D तक। और हम लोग इस पर लिखेंगे कितना? VR। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा पॉइंट D। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पे कॉइल के इंडक्टिव रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VL को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पॉइंट D से पॉइंट C को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जो इंडक्टेंस का वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री से लीड करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस फेजर डायग्राम पे कॉइल के इंडक्टिव रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के लिए पॉइंट D से पॉइंट C को ज्वाइन करेंगे और हम लोग इस पर लिखेंगे वोल्टेज VL और यहाँ पर का एंगल को एज्यूम कर लेंगे एंगल थीटा। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम की हेल्प से वोल्टेज VR और VL के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इस फेजर डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों को दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल ODC। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? BDC। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रायंगल BDC पर पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे और हम लोग कितना लिख पाएंगे? तो लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर। और हम लोग इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम के दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल ODC पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और कितना लिख पाएंगे तो लिखेंगे OD का स्क्वायर के लिए हम लोगों को इस 125 वोल्ट और VR को सम करना होगा तो लिखेंगे 125 प्लस VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर और यह किसके इक्वल में होगा 250 का स्क्वायर और हम लोग इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर आगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके VR और VL के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 पे सबसे पहले अब हम लोग इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 125 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VR इंटू 125 और अब हम लोग लिखेंगे VR का स्क्वायर क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इस VL स्क्वायर को वैसा का वैसा ही रहने देंगे और इक्वल पे लिखेंगे 250 का स्क्वायर। अब हम लोग इस VR का स्क्वायर प्लस VL के स्क्वायर पे इक्वेशन नंबर 1 से कितना पुट कर पाएंगे 200 का स्क्वायर तो लिखेंगे 125 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VR इंटू 125 प्लस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 का स्क्वायर। तो अब हम लोग इस इक्वेशन से VR के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो लिखेंगे 250 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर और हम लोगों को इस पर डिवाइड करना होगा 2 इंटू 125 का और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को VR का वैल्यू कितना मिलेगा 37.5 वोल्ट। अब हम लोग इस VR के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके VL के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से VL के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे तो VL इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 200 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा VR का स्क्वायर। अब हम लोग इस पे VR के वैल्यू को पुट करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट पे 200 का स्क्वायर माइनस 27.5 का स्क्वायर और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को VL का वैल्यू मिलेगा 198.10 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पर आगे वोल्टेज VR और VL की हेल्प से कॉइल के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो कॉइल के रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कितना लिख पाएंगे R इज इक्वल टू VR अपॉन I और हम लोगों ने VR का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया 27.5 और हम लोगों को I का वैल्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया है 5 और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा 5.5 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। अब हम लोग यहाँ पर आगे कॉइल के रिएक्टेंस के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो रिएक्टेंस के लिए लिख पाएंगे XL इज इक्वल टू VL अपॉन I। अब हम लोग इस पे VL और I के वैल्यू को पुट करेंगे तो VL का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 198.10 और करंट का वैल्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया है 5 और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को रिएक्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा 39.62 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। अब हम लोग यहाँ पर आगे कॉइल के इम्पीडेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो कॉइल के इम्पीडेंस के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख पाएंगे Z= वोल्टेज अक्रॉस कॉइल अपॉन क्या करना होगा करंट I। और हम लोगों को वोल्टेज अक्रॉस कॉइल का वैल्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया है 200 और करंट का वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर ही कितना दिया है 5 एम्पियर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को Z का वैल्यू कितना मिलेगा 40 और इसका यूनिट कितना हो जाएगा ओम। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉइल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कितना लिख पाएंगे तो P= लिखेंगे VI cos थीटा और हम लोग cos थीटा के वैल्यू को इस फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। तो cos थीटा = क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर कितना है VR और हाइपोटेनियस कितना है 200। तो यहाँ पर हम लोग V के जगह पुट करेंगे कितना कॉइल के वोल्टेज को जो कि कितना होगा 200 और I का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे 5। और हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू इस फेजर डायग्राम से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे VR अपॉन 200। और हम लोगों ने VR का वैल्यू अभी पहले कैलकुलेट कर लिया है तो उसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिखेंगे 200 × 5 × VR के जगह लिखेंगे 27.5 और डिवाइड में लिखेंगे 200। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पावर का वैल्यू कितना मिलेगा 137.5 और इसका यूनिट हो जाएगा वॉट। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस पूरे सर्किट के लिए टोटल पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला कितना लिख पाएंगे तो लिखेंगे P= VI cos phi और V के जगह हम लोग पुट करेंगे इस सर्किट के टोटल वोल्टेज के वैल्यू को जो कि कितना है 250 और करंट का वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया है 5। अब हम लोग इस cos phi के वैल्यू को राइट एंगल ट्रायंगल ODC की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो cos = क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हम लोगों का कितना हो जाएगा 125 प्लस VR और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 125 प्लस VR और हाइपोटेनियस कितना है तो उसको लिखेंगे डिवाइड पे। तो कितना हो जाएगा 250। अब हम लोग इस पे VR के वैल्यू को पुट करेंगे। तो फिर से लिखेंगे 250 × 5 × 125 प्लस VR का वैल्यू है 27.5 और हम लोगों को इस पे डिवाइड करना होगा 250 का। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को टोटल पावर का वैल्यू मिलेगा 762.5 और यूनिट हो जाएगा वॉट। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस और चोक कॉइल के कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल द बेस्ट।